डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट दैट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं हम, कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले देखिए ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज एन इमेजिनरी और अपारेंट चार्ज डेवलप्ड ओवर एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम इट्स एलिमेंट्री फ्री स्टेट टू कंबाइंड स्टेट इन मॉलिक्यूल। जब कोई एलिमेंट एलिमेंटल फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट के अंदर जाता है मॉलिक्यूल के अंदर, तो देखिए जो चार्ज डेवलप होता है उसको हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, और जो रूल्स हैं वो क्या है, मेन रूल है वो क्या है कि देयर इज ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो रिलेटिव चार्ज होता है इन ए पार्टिकुलर बॉन्डेड स्टेट में, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो कंप्लीट होते ट्रांसफर होता है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। रूल्स गवर्निंग ऑक्सीडेशन नंबर, अब देखिए द फॉलोइंग रूल्स आर हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन दियर डिफरेंट कंपाउंड्स। इट इज टू बी रिमेंबर दैट द बेसिस ऑफ दीज रूल्स इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एलिमेंट की वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बेसिस है। अब देखिए हम फ्लोरीन एटम का केस लेते हैं, तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। अब देखिए और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है इन ऑल इट्स कंपाउंड्स। और ऑक्सीजन एटम का केस लेते हैं, आप देखिए ऑक्सीजन एटम में इन जनरल एंड एज वेल एज इन इट्स ऑक्साइड्स ऑक्सीजन एटम हैज ऑक्सीडेशन नंबर -2, क्योंकि ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। और देखिए इन केस ऑफ परोक्साइड एग्जांपल फॉर H2O2 Na2O2 इनके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है, ये परोक्साइड का केस है। और सुपरऑक्साइड के अंदर देखिए ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 चार्ज होता है, एग्जांपल देखिए KO2। और देखिए ओजोनाइड के अंदर KO3, इसके अंदर देखिए ऑक्सीजन के ऊपर -1/3 ये चार्ज होता है। और इन O2 ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज होता है, और इन O2F2 जो ऑक्सीजन के ऊपर है ये +1 चार्ज होता है, और ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है और इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। OF2 के अंदर +2 और O2F2 के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। और इनके अंदर देखिए ऑक्साइड के अंदर -2, परऑक्साइड के अंदर -1, सुपरऑक्साइड के अंदर -1/2, ओजोनाइड के अंदर -1/3, और इन OF2 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का +2, और O2F2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब देखिए हाइड्रोजन एटम का केस, इन जनरल हाइड्रोजन एटम ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, बट इन मेटालिक हाइड्राइड्स एग्जांपल फॉर NaH, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। मतलब हाइड्राइड के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा, और जनरल हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। अब देखिए हेलोजन एटम, अब हेलोजन एटम की बात करते हैं, जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है इसके एग्जांपल फ्लोरीन क्लोरीन। अब देखिए जनरल ऑल हेलोजन एटम हैव ऑक्सीडेशन नंबर -1 के बराबर होता है इन जनरल में, पर लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होते हैं विद ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हेलोजन एटम, तो देन इट विल शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब अगर हेलोजन एटम उस एटम के साथ जुड़ा है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन एटम से ज़्यादा है, तो हेलोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करता है उस टाइम पे। जैसे देखिए KClO3, इसके अंदर देखिए जो ऑक्सीजन है वो क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर दिखाता है। और यहाँ पे HIO3, इसके अंदर देखिए जो ऑक्सीजन है वो आयोडीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए आयोडीन +5 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। और HClO4, इसके अंदर देखिए ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन क्लोरीन, तो देखिए क्लोरीन +7 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। और KBrO3, इसके अंदर देखिए ऑक्सीडेशन जो नंबर है
और ब्रोमीन का वो प्लस फाइव है क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखिए मेटल के केस में, मेटल के केस में देखिए बात करते हैं हम अल्कली मेटल की। अल्कली मेटल्स लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, अब देखिए इनके केस में ऑलवेज हाइड्रोक्सीलेशन नंबर प्लस वन ही होता है इनके अंदर। और अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम इनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस टू ही होता है। और एल्यूमिनियम उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस थ्री ही होता है। अब एक बात नोट करने वाली है, मेटल्स में हैव नेगेटिव और जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट और इन एलोट्रोपिक फॉर्म्स इज ऑलवेज जीरो। अब देखिए फ्री स्टेट की बात करते हैं, ऑक्सीजन O2 फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है। एसिड सल्फर एसिड के रूप में फ्री स्टेट में पाया जाता है तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है। P4 फास्फोरस यहाँ पे भी जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। और O3 ओजोन इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जीरो है क्योंकि ये फ्री स्टेट में है। और एलोट्रोप की बात करें तो कार्बन के तीन एलोट्रोप हैं, डायमंड ग्रेफाइट फुलरीन, तो इनमें भी कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर है वो जीरो होगी। अब देखिए सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल इज जीरो। अब देखिए हम एग्जांपल लेते हैं Na2, H2, O3। अब इसके अंदर देखिए सोडियम का प्लस वन, सल्फर का हमें निकालना है इसको हम x मान लेते हैं, और ऑक्सीजन माइनस टू। तो निकालेंगे हम कैसे, अब देखिए इन सभी को हम प्लस करके इनके ऑक्सीडेशन नंबर और इज इक्वल टू जीरो के इक्वल कर देंगे तो इन सभी का सम जीरो होता है। अब देखिए यहाँ पे सोडियम का प्लस वन, अब इसका सबस्क्रिप्ट देखिए टू है तो मल्टीप्लाइड बाई टू, प्लस यहाँ पे सल्फर का पता नहीं है इसलिए एक्स मल्टीप्लाइड बाई सबस्क्रिप्ट इसका देखिए टू है तो टू, प्लस यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है माइनस टू, तो देखिए माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री। अब इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू आता है। अब देखिए ये सिंपल तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। और सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज जीरो होता है। और अब देखिए सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है एटम का एलिमेंट, तो आयन के अंदर जो आयन का जितना चार्ज है उसके बराबर होता है। इफ द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज n, देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर में वेरी फ्रॉम n-10 टू n-18, पर ये p ब्लॉक वाले एलिमेंट के लिए अप्लाई होता है। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे नाइट्रोजन एटम वो 15वें ग्रुप का एलिमेंट है, तो अब देखिए तो देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर इसका वेरी करेगा माइनस थ्री टू प्लस फाइव। अब देखिए एन यहाँ पे 15 है तो 15 माइनस दस कितना हुआ प्लस फाइव, यहाँ पे देखिए 15 माइनस 18 तो कितना हुआ माइनस थ्री, तो माइनस थ्री टू प्लस फाइव वेरी किया ना। अब देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं हम एन एस थ्री के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का वो है माइनस थ्री, अनो के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का प्लस टू, एन टू ओ थ्री के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री, और एन ओ टू के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर, और एन टू ओ फाइव के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फाइव। तो देखिए यहाँ पे अमोनिया जिसके अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस थ्री है से एन टू ओ फाइव जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या है प्लस फाइव, जैसे माइनस थ्री से प्लस फाइव तक वेरी करता है तो ये रूल बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो होता है। अब देखिए द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज नेवर मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, जो इसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर होते हैं उससे कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता, और ये मेनली अप्लाई केबल होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए।